आज इस प्रोग्राम के तहत हम आपको जानकारी देंगे वास्तु शास्त्र की। आखिर वास्तु का महत्व क्या है? घर, ऑफिस, फैक्ट्री, मॉल, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, फार्म हाउस, इनमें वास्तु कैसे काम करता है? क्या वास्तु अंधविश्वास है? कई लोग हमें बोलते हैं कि इसी घर के अंदर तो हमने करोड़ों कमाया, इसी घर में हम बर्बाद हो गए। ये सच होता है। कभी कभी आप उसी घर में बहुत कमाते हैं और उसी घर में बर्बाद हो जाते हैं। जैसे ही आप कोई सामान शिफ्ट कर लेते हैं, घर का कोई कलर चेंज कर देते हैं, कोई रेनोवेशन कराते हैं, जैसे ही एनर्जी लेवल डिस्टर्ब होता है और ऊपर से दशाएं आपकी खराब आ जाती हैं, तो वो वास्तु दोष लगना शुरू हो जाता है। वास्तु देवता हैं और ब्रह्मा जी की जो टीम है देवताओं की, उसमें वास्तु हैं, नहीं तो कृष्ण भगवान द्वारका को वास्तु के हिसाब से न बनाते या इंद्रप्रस्थ वास्तु के हिसाब से न बनती। तो आज मैं आपको जानकारी दूंगा एक छोटा सा उपाय कि किस तरीके से आपके घर में सोना उगल सकता है। छोटा सा उपाय, आज वो मैं जानकारी दूंगा। सोना कैसे उगल देता है ये बताऊं, पहले एक उदाहरण दूंगा फिर बताऊं। नागपुर के अंदर एक थिएटर के अंदर मैनेजर थे, उन्होंने मुझे बुलाया था बहुत पहले, 20 साल पहले। उन्होंने कहा, गुरुजी मेरा बंगला चेक कर दो। मैंने उनका बंगलो चेक किया, मैंने एक छोटा सा उपाय करवाया। उन्होंने ईशान कोण के अंदर उनका एक कुआ था, उसको बंद कर दिया। मैंने कहा इसको खोल दो, और जो उसके जस्ट अपोजिट साउथ वेस्ट में बोरिंग थी उसको बंद कर दो। मैं कह ये सोना उगलना शुरू कर देगा, और मैं तुम यहाँ जो थिएटर में जॉब कर रहे हो छोड़ दोगे, बहुत बड़े बिल्डर हो जाओगे, बहुत बड़े संतरों के बागों के मालिक हो जाओगे। और वही हुआ, लेकिन वो बंगला उन्होंने छोड़ा नहीं, बहुत बड़े बिल्डर हो गए, नागपुर के बड़े नामी बिल्डर हैं, बहुत बड़े बड़े उनके संतरे के बाग हैं। उनके बाग में मैं गया हुआ हूँ, उनके बागों के मैंने संतरे भी अपने यहाँ लेके आया हूँ। जब जाता हूँ तो एक दो पेटी वो हवाई जहाज में रखवा देते हैं। तो आज भी मेरे साथ उनका बड़ा गहरा लिंक है, बुलाते रहते हैं। तो जो ईशान कोण होता है ये बृहस्पति देव का होता है, इस दिशा का मालिक होता है बृहस्पति। और बृहस्पति के पास पांच चीजें होती हैं। बृहस्पति धन देता है, बृहस्पति संतान का सुख देता है, बृहस्पति भाग्योदय करता है, धर्म देता है, काम कारोबार और व्यापार देता है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष ये बृहस्पति के पास हैं और ईशान कोण में होते हैं। अगर उस जगह पे आप थोड़ा सा वाटर टैंक रख लेते हैं, अपना अंडरग्राउंड वाटर टैंक रख लेते हैं, या वहां पर पानी का स्टोरेज रख लेते हैं, या कोई वाटरफॉल रख लेते हैं, पानी की कोई भी चीज़ अगर वहाँ पर है, और आपका अगर बंगलो बड़ा है, कोठी बड़ी है, या फ्लैट बड़ा है, उस दिशा में अंडरग्राउंड अगर पानी का कोई स्टोरेज आपके पास है, तो निश्चित तौर पर वो घर आपका सोना उगलेगा, नो डाउट। उस दिशा को बंद मत करिए, उस दिशा पर फूल हल्के छोटे खुशबू वाले ये सब रख सकते हैं, और साथ में पानी का स्टोव। फिर देखिए कि किस प्रकार से इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और वो फ्लैट वो घर आपका सोना उगलना शुरू करेगा। आप पास किसी चीज की कमी नहीं होगी, आपकी संतान प्रोग्रेस करेगी, वो घर दिन दूनी रात चौगुनी ऊंचाई को छुए, क्योंकि बृहस्पति वहां बलवान होना शुरू हो जाता है। अगर आपने उसी दिशा को खराब कर दिया तो बृहस्पति देव नाराज होंगे और कहने के आपको तकलीफ होगी। इसलिए आज हमने सोचा कि छोटी छोटी चीजें आपको बताने शुरू करेंगे।
अगर आप फैक्ट्री के मालिक हैं, आप कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट लगा के बैठे हैं, बिल्डर हैं, कॉरपोरेट हाउस कंपनी है, कोई भी चीज़ है आपकी, 1 BHK, 2 BHK, 3 कुछ भी है, या फार्म हाउस भी है आप, तो आपको उस जगह से सोना और धन निकालने के लिए ईशान कोण में अंडरग्राउंड वाटर टैंक या कुआ, अगर कुआ हो तो बहुत ही बढ़िया है, और नहीं है तो बोरवेल हो या आप वाटर टैंक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वहाँ पर आपके पास किसी तरह की कमी नहीं रहेगी। मित्रों, छोटी छोटी जानकारी लेकर के फिर आएंगे आपके सामने। अब आपसे याद लेता हूँ, आप भी वास्तु बेस्ट कराना चाहते हैं, कॉरपोरेट हाउसेज में आप ऑफिस लेना चाहते हैं या ऑफिस बना रहे हैं, हाई एनर्जी उस ऑफिस को पूर्ण रूप से प्रोग्रेस करने के लिए, उसमें काम को ऊंचाइयों को देने के लिए अपॉइंटमेंट लेकर के आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। लॉकडाउन खुल जाएगा तो उस समय आप विजिट करा सकते हैं। किसी भी प्रकार की घर में आपको टेंशन रहती है, एनर्जी लेवल ठीक नहीं है, दम घुटता है, बच्चे पढ़ते नहीं है, बीमारी रहती है, कलेश रहता है, तो वो सब घर के दोष होते हैं। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।